आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूँ, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए, अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया, कोर्ट में केस चल रहे हैं, और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा, और भ्रष्टाचार किया यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वो ही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं, आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं, इनका एक ही काम है तुष्टीकरण। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? जरा जोर से बोलो, भर जाए चाहते हो? माताओं, भाइयों, बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तैयार हैं। यहां पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है, बालू माफिया घुस गए हैं, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे हैं, टाइम बम बरामद हो रहे हैं, बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, और उफान भरती बागमती सबको डरा रही है। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू
स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है।